सब लोग उन युक्तियों को देख सकते हैं जिनसे मैं विजय प्राप्त करता हूँ, लेकिन उन रणनीतियों को कोई नहीं देख सकता जिनसे विजय प्राप्त होती है। निराकृता की सीमा तक सूक्ष्म रहो, अत्यंत रहस्यमय रहो, तभी तुम प्रतिद्वंद्वी के भाग्य का निदेशक हो सकते हो। 100 लड़ाई में 100 जीत जीतने के लिए कौशल की परिपूर्णता नहीं है। बिना लादे दुश्मन को वश में करना कौशल की परिपूर्णता है। वे जो जानते हैं कि वो कब लड़ सकते हैं और कब नहीं, विजयी होंगे। अगर आप शत्रु से दूर हैं, तो उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप निकट हैं। अगर आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं, तो आपको 100 युद्धों के परिणामों से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपराजेयता रक्षा में निहित होती है, जीत की संभावना आक्रमण में होती है। युद्ध की व्यावहारिक कला में सबसे अच्छी बात ये है, शत्रु राष्ट्र को संपूर्ण रूप से हासिल करना, उसे विखंडित एवं नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। केवल प्रबुद्ध शासक और बुद्धिमान सेना नायक ही सर्वोच्च प्रतिभा का उपयोग खुफिया तंत्र के लिए करते हैं और परिणाम स्वरूप महान नतीजे प्राप्त करते हैं। अपने सैनिकों को अपने बच्चों जैसा अपनाएं, वे आपका कठिन परिस्थितियों में भी साथ देंगे। उनकी तरफ आपने पुत्रों की तरह देखें और वे आपका मृत्यु तक भी साथ देंगे। गुप्त परिचालन युद्ध में आवश्यक हैं। उन पर सेना के लिए अपनी हर चाल चलना निर्भर करता है। प्रबुद्ध शासक हमेशा चौकन्ना रहता है और अच्छा सेना नायक पूर्णतः सतर्क। एक सेना नायक जो बिना डर और अपमान के आगे बढ़ता है, जिसकी कोच सिर्फ अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, किसी भी राज्य के लिए बहुमूल्य है। हार से खुद को सुरक्षित करने का अवसर हमारे ही हाथों में निहित है, लेकिन दुश्मन को हराने के अवसर दुश्मन खुद द्वारा प्रदान की जाती है। युद्ध की सर्वोच्च कला दुश्मन से बिना लड़े ही उसे अपने वश में करना है। आज तक ऐसी कोई भी लंबी लड़ाई नहीं हुई है जिससे कोई देश लाभान्वित हुआ है। युद्ध में लड़ना और विजय प्राप्त करना सर्वोच्च